PM Sinha. I belong to Chandigarh, but I am coming from Patna. कान से रिलेटेड मेरा प्रॉब्लम यह था कि एक तो मेरे दोनों कान में न्यूरोसेंसरी लॉस हो गया, प्लस लेफ्ट ईयर में ऑटो स्कॉलसिस है और टिनिटस भी है। ये मेरा 20 साल खरीद हो गया। 20 साल के बाद फिर हाँ हमने दिखलाया था, मैंने बहुत सेलिब्रेटेड डॉक्टर्स को दिखलाया, पीजीआई के डॉक्टर को दिखलाया। फिर बेसिकली मैंने चंडीगढ़ में ही इलाज कराया। उन लोगों ने बताया कि ऑटोस्कल्सिस तो आपको है, लेकिन आपका चूंकि कान का नस बहुत कमजोर हो गया है, सूख गया है, इसलिए ऑपरेशन में रिस्क है। ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो गया तो सारा हो जाएगा। ऑन एन एवरेज आपको उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया? एक ट्रीटमेंट ये था कि ऑटोस्कल्सिस का ऑपरेशन अब नहीं हो सकता आपको, सिवाय हेयरिंग एड कोई ऑप्शन नहीं रहा। ठीक है, ये हमने यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे देखे थे। आई एम फीलिंग इनकरेज्ड। ये आपने मैंने अभी तो देखिए, हम ये नहीं कहेंगे, आई विल नॉट से कि आई एम फुली क्योर्ड। हाँ, पूरे क्योर तो हुए नहीं सर, पर ये जो पहली ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है, हाँ कुछ कुछ मेरे अंग को अंदर से इंकरेजमेंट फील हो रहा है। आई एम फीलिंग टाइम बट आई विल गेट यू। हम ये फील कर रहे हैं कि आपका इंकरेजमेंट, आपके ट्रीटमेंट से हमको इंकरेज फील कर रहे हैं। मतलब आपको एक पहले ट्रीटमेंट में सेटिस्फेक्शन हुआ कि नहीं? कुछ हुआ। ठीक है, ये संदेश देना चाहेंगे आप लोग सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं और इसीलिए हम समझते हैं कि एफर्ट ऐसा सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं तो लोगों को क्योर भी करते हैं। पहली बार हमको आपके इससे ये पता लगा कि बिना ऑपरेशन के या बिना सर्जरी के भी ऑटोस्कल्सिस या वगैरह ठीक हो सकता है, इसीलिए इसी होप से आए हैं और उम्मीद करते हैं कि ठीक हो जाएंगे। बात है कि देखिए, बात है कि हर तरफ से आदमी का जब दरवाजा बंद हो जाता है तो किधर जिधर दरवाजा खुला दिखता है वहां लोग आते हैं। मैं भी उसी तरफ से आया हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद।